Hello students, welcome back again. Myself is Dr. Kamran, Faculty of Biology at trueclasses.com. Now we are going to start our next topic, that is sexual reproduction. Sexual reproduction, guys. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था. आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं. स्टूडेंट्स, हम लोगों को जैसा कि पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स, अलग अलग सेक्स वाले ऑर्गेनिजम्स जब आपस में अपने गैमेट्स को फ्यूज कराते हैं तो इस तरह का रिप्रोडक्शन कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गाइज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस as compared to asexual reproduction. As compared to asexual reproduction means sexual reproduction बहुत ज्यादा फैला हुआ. Elaborate का मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ, जिसे explain करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े. Complex, बहुत ज्यादा complex हो, जिसके अंदर जटिलताएं बहुत ज्यादा हो, और धीरे धीरे होने वाला एक प्रोसेस है. किसके मुकाबले? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले. गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और एक जाइगोट बना देते हैं. मेल गैमेट हैप्लोइड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लोइड होता है, जाइगोट डिप्लोइड होता है. आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हैप्लोइड और डिप्लोइड का मतलब क्या होता है. हैप्लोइड मींस हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लोइड मींस haploid means half number of chromosomes, diploid means complete number of chromosomes. Haploid means half number of chromosomes, diploid means complete number of chromosomes. So guys, sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे जाइगोट बोला जाता है. यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और यही एम्ब्रियो आगे चलकर ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट होता है. Isn't it clear? But याद रहे एक बात कि ये ऑफ स्प्रिंग not identical to its parent. के sexual reproduction में बना हुआ जो offspring होता है वो two copy अपने parent जैसी नहीं होता. इसीलिए हम कहते हैं कि sexual reproduction में variation देखने को मिलता है. गाइज, हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एटीसी, इन सबको जब हम लोग देखते हैं तो इन सब लोगों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. यार, किसी को भी देख करके हम बोल देंगे ये प्लांट है, इसको देख के बोल देंगे हम कि ये एनिमल है. कभी भी कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? नहीं, आप कंफ्यूज होंगे क्या? कभी प्लांट और एनिमल को देख करके आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, यार ये प्लांट नहीं लग रहा, ये तो एनिमल लग रहा है, ये एनिमल नहीं लग रहा, ये प्लांट नहीं लग रहा. कुछ केसेस में ऐसा होता है जो
कमोफ्लेज शो करते हैं जानवर, उनके अंदर लगता है कि जैसे एक कैमेलियन गिरगिट एक प्लांट की पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है, तो एकदम से शुरुआती टाइम पर जब हम उसे देखते हैं तो ध्यान से देखने पर ही पता चलता है यार ये कोई एक जानवर इस डाली पर बैठा हुआ है ना, वो बात अलग है। लेकिन इजीली हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट एनिमल दोनों के दोनों फंजाई सब बाहर से देखने पर बहुत ज्यादा एक दूसरे से डाइवर्स हैं। भाई अगर हम उन्हें बाहर से देखें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर हम देख रहे हैं उनकी, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं उनके, या फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, या उनकी बॉडी में होने वाले फंक्शंस बोले तो फिजियोलॉजी बोले तो, है ना, फिजियोलॉजी अगर हम देख रहे हैं, तो सब में जमीन आसमान का अंतर है। प्लांट एनिमल फंजाई बाहर से देखने पर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, उनके अंदर अंदर शरीर में मौजूद भी स्ट्रक्चर्स में जमीन आसमान का अंतर है यार। हमारे अंदर किडनी है, फेफड़े हैं, हमारे अंदर किडनी है, फेफड़े हैं, दिल है, पेड़ पौधों में थोड़ी है ये, हाँ, लेकिन काम जो हमारी बॉडी में किडनी कर रही है, पेड़ पौधों में भी कोई ना कोई ऑर्गन होगा जो वो काम कर रहा है। जब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कौन से ऑर्गन है वो। हमारी बॉडी के अंदर लंग्स जो काम कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज कराने का, प्लांट में भी कुछ ना कुछ होगा, लंग्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा, जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये सब के सब सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर पैटर्न शो करते हैं। किसमें? रिप्रोडक्शन में। मींस ये सब के सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। गाइस यहां तक क्लियर हो गया ना आप सब लोगों को? याद रखिएगा हम लोगों ने ये जो आज हेडिंग स्टार्ट करी है, ये हेडिंग हमारी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1.2 नंबर हेडिंग है, जो पेज नंबर 8 पर, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 8 पर नजर आ रही होगी। खैर बहरहाल स्टूडेंट्स, अब प्लांट एनिमल फंजाई, फंजाई थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके सामने बैठा हुआ ही है, मींस ह्यूमन बीइंग, आप सब लोग भी, हम सब लोग सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, सबसे ज्यादा अशरफ, अशरफ का मतलब होता है बेस्ट, बेस्ट ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर ने हमारे शरीर को जिंदा रखने वाले सारे फिनोमिनास के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। अब सारे ही ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, अगर बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले जब ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, प्लांट हो, एनिमल हो या फंजाई हो, अगर उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है आगे अपनी लाइफ में, तो जब वो पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद उसे एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी अटेन करनी पड़ती है। इन ऑर्गेनिजम्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रोथ और मैच्योरिटी लेवल अटेन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो रिप्रोडक्शन ठीक ढंग से करा पाते हैं, रिप्रोडक्शन ठीक ढंग से करा पाते हैं। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म पैदा होते ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, पैदा होने के बाद उसे काफी लंबे टाइम तक अपने आप को ग्रो कराना पड़ता है, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी का लेवल अटेन करना पड़ता है। जब उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, तब कहीं जाकर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। पैदा होने से लेकर जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं कराएगा, तब तक का टाइम पीरियड, दैट मींस ग्रोथ और मैच्योरिटी लेवल अटेन करने तक का टाइम पीरियड कहलाता है
जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ, इन केस ऑफ एनिमल्स, और पैदा होने के बाद से लेकर जब तक वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तब तक का टाइम पीरियड पेड़ पौधों में, फंजाई पेड़ पौधों में कहलाता है वेजिटेटिव फेज। गाइस आई होप कि ये सब अभी तक आपको क्लियर होगा। क्या दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म मरते दम तक रिप्रोड्यूस करते रहते हैं या नहीं, एक पर्टिकुलर एज तक रिप्रोड्यूस करते हैं? नो डाउट कुछ ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एज तक ही रिप्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोडक्शन की काबिलियत रखते हैं अपने अंदर, और कुछ ऑर्गेनिज्म मरते दम तक रिप्रोडक्शन की काबिलियत रखते हैं। सब में रिप्रोडक्शन के फेजेस किसी में छोटे होते हैं, किसी में लंबे होते हैं, लेकिन पूरी लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, हम लोग जो फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है गाइज? याद करो हमारा पहला लेक्चर, वेरी गुड वेरी गुड, लाइफ स्पैन। ठीक है, आजकल सना पढ़ने लग गई है, लाइफ स्पैन। सो गाइज प्लांट्स में, एनिमल्स में हम लोग लाइफ स्पैन को तीन फेजेस में बांटते हैं। प्लांटी में, एनिमल में लाइफ स्पैन को हम लोग तीन फेजेस में बांटते हैं, फंजाई वगैरह में भी या किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहला फेज होता है गाइस जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज। दूसरा फेज होता है गाइस रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा फेज होता है गाइस सेनेसेंट फेज। क्लियर? जुवेनाइल फेज और वी कैन से दैट वेजिटेटिव फेज। इन केस ऑफ एनिमल्स जुवेनाइल फेज बोला जाएगा और इन केस ऑफ प्लांट्स वेजिटेटिव फेज बोला जाएगा। कब से कब तक का होता है ये फेज? जब ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तब से लेकर जब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं हो जाता, जब तक वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ और मैच्योरिटी लेवल अटेन नहीं कर लेता, जब तक वो अपनी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं करा लेता, तब तक का टाइम पीरियड कहलाता है वेजिटेटिव फेज इन केस ऑफ प्लांट्स और जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ एनिमल्स। वेरी गुड, क्लियर है ना? ओके, जब उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो गए और उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उसे बोलेंगे हम रिप्रोडक्टिव फेज। और जब उन्होंने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, तब वो फेज सेनेसेंट फेज कहलाएगा। अब हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं गाइज, वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज को तो दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। Now we are focusing towards the reproductive phase. Guys, reproductive phase, अगर हम बात करें in case of plants, भाई plants के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे कि reproductive phase चालू हो गया है, मतलब कि vegetative phase खत्म हो गया है और reproductive phase चालू हो गया है, शुरू हो गया है, अपन लोग कैसे पता लगाएंगे? हैं? बड़ा सिंपल सा फंडा यार। पहले तो हम ये जाने जरा कि ग्रोथ के एतबार से, लाइफ स्पैन के एतबार से या फ्लावरिंग के एतबार से प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर वन एनुअल प्लांट्स, नंबर दो बाइनियल प्लांट्स, नंबर दो बाइनियल प्लांट्स, नंबर तीन पेरिनियल प्लांट्स। गाइज एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन सर्वाइव करते हैं, बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो दो ग्रोइंग सीजन सर्वाइव करते हैं, पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो मल्टीपल ग्रोइंग सीजन सर्वाइव करते हैं।
आपके दिमाग में शब्द आ रहा होगा ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन क्या है? ग्रोइंग सीजन पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा एनुअल बाइनियल पेरिनियल क्या होते हैं। ग्रोइंग सीजन मींस पौधा पैदा हुआ, बीज में से कोंपलें फूटी, जर्मिनेशन हुआ, पौधा निकलकर बाहर आया। बाहर आने के बाद वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ और मैच्योरिटी का लेवल अटेन करेगा। उसके बाद उस पर फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होगा और उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने के बाद, फ्लावरिंग होने के बाद, फ्रूट्स आने के बाद, सीड्स आने के बाद, वो अब सर्वाइव नहीं करेगा। धीरे 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 उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का रेट स्लो होता जाएगा, हार्मोनल इंबैलेंस क्रिएट होता चला जाएगा, हार्मोन्स का लेवल चेंज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से वो डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या आगे ढंग से सरवाइव नहीं करेगा। तो उसे बोलते हैं हम ग्रोइंग पीरियड या ग्रोथ फेज। क्लियर? तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर एक बार फ्लावरिंग होती है एनुअल, ऐसे प्लांट जिनके अंदर दो बार फ्लावरिंग है, जो दो ग्रोइंग सीजन तलक सरवाइव कर रहे हैं बाइनियल, पेरिनियल जो बहुत सारे ग्रोइंग सीजन सरवाइव करते हैं, जिनमें बार 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 फ्लावरिंग होती ही रहती है, चाहे 12 महीने रहे फ्लावरिंग, चाहे हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फ्लावरिंग हो, चाहे कई साल में एक बार फ्लावरिंग हो। वैसे यूजुअली तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 12 मंथ्स फ्लावरिंग रहती है, कुछ पौधे ऐसे वो कंटिन्यूअस हो गए ब्रीडर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें साल में एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावरिंग होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक फ्रूट का नाम मैंगो है ना, जैक फ्रूट, पाइन एप्पल। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये मैंगो आपको पूरे 12 महीने मिलता है, 12 मंथ्स अवेलेबल रहता है मार्केट्स में? रहता है? अरे नहीं रहता साहब, इंतजार हो रहा है आजकल मैंगो का कि कब मैंगो आए, पहले तो कोरोना जाए उसके बाद मैंगो आए, उस दौरान ना आए, कोरोना के बीच में मैंगो आ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैंगो भी नहीं मिलेगा इस बार। तो मैंगो सब लोग दीवाने होते हैं इसके, इसीलिए सबको पता होगा, किसी और फ्रूट का पता हो ना हो मैंगो का जरूर पता होगा कि मैंगो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आता है और वो सीजन अब बस शुरू ही हो गया है। अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, इन सीजन्स में भरमार होती है। अप्रैल में तो इतनी नहीं होती, मई के बाद मैंगो ही मैंगो अवेलेबल होता है मार्केट में, हर साल इसी टाइम पर आ रहा है। दैट मीन्स मैंगो के ट्री पर फ्लावरिंग एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हो रही है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पूरे 12 महीने अवेलेबल होते हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर फ्लावरिंग 12 महीने रहती है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं गाइस जो कई सालों में जाकर एक आध बार फ्लावरिंग कराते हैं अपने ऊपर। दैट मींस कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैम्बू, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बड़ा सिंपल सा नाम लिख रहा हूं यहां पर, नीलाकुरंजी। गाइज ये दो मैंने प्लांट ऐसे नाम लिए हैं जो अनयूजुअल पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग शो करते हैं, शोज अनयूजुअल पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग, shows unusual pattern of flowering। That means ये हर साल same time पर flowering नहीं कराते, ये पूरे 12 महीने flowering नहीं कराते साहब। Bamboo plant 50 to 100 years, 50 से 100 साल के बीच में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक बार flowering कराता है, और इतनी फ्लावरिंग कराता है कि चारों तरफ बस बैंबू फ्लावर ही नजर आते हैं, और उसके बाद वो प्लांट खत्म हो जाता है। लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग कराएगा बैंबू प्लांट। देखें कभी बैंबू प्लांट, हमारे ईस्ट इंडिया में जो सेवन सिस्टर्स हमारी स्टेट्स हैं, बैंबू प्लांट बहुत मिलेंगे। चाइना में बैंबू प्लांट बहुत मिलेंगे, पतले पतले लंबे लंबे से ब्रांचेस वाले पौधे, ब्रांचेस नहीं मेन स्टेम वाले पौधे होते हैं। 50 से 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग होती है तो बेइंतहा फ्लावरिंग होती है, बहुत फ्लावर आता है, और उसके बाद पौधा खत्म। अनयूजुअल पैटर्न हुआ ना, सारे पौधों के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए ये अनयूजुअल पैटर्न हुआ।
क्लियर। दूसरा होता है साहब नीला खुरंजी, यार इसके तो क्या कहने, इसका तो केस ही स्पेशल है भाई, इसका तो जेन्युइनली केस ही स्पेशल है। नीला खुरंजी पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। क्या नाम होता है गाइज? स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना नाम है इसका साइंटिफिक, याद कर लेना एकदम, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना साइंटिफिक नेम है इसका, जिसे आम जबान में नीला कुरंजी बोला जाता है। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं उगता है ये, हमारे दिल्ली में नहीं उगता है ये, हमारे हरियाणा में नहीं उगता है भाई ये, हमारे पंजाब में नहीं उगता है भाई ये फिर कहाँ उगता है? सवाल आ रहा होगा, सर जी उल्टे उल्टे बोले जा रहे हैं, यहाँ नहीं उगता, यहाँ नहीं उगता, फिर उगता कहाँ है ये तो बता दो। ये उगता है बच्चों कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के हिली स्ट्रेचेस में, पहाड़ी इलाकों में। पौधा होता है तकरीबन दो या तीन फीट के आसपास का, नीले रंग का फ्लावर आता है इस पे, और फ्लावर ओफो इतना फ्लावर होता है साहब कि दूर दूर तलक नीला ही नीला नजर आता है, इतना टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है ना इसे देखने के लिए, इतना टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के हिली एरियाज में होटल रूम अवेलेबल नहीं होते। और जिस टाइम पर ये उगता है, सितंबर टू अक्टूबर उगता है ये, इन दो मंथ की होटल्स में बुकिंग नहीं मिलती जल्दी से, और मिलती भी है तो तीन गुना, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स महंगे रूम्स मिलते हैं, बहुत टूरिस्ट होता है भाई, हम फंसे थे वहां पर एक बार जाके गाइस, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। अब हर साल नहीं उगता ये 2006 में सितंबर अक्टूबर मंथ में हिली स्ट्रेचेस ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला भरपूर नीली नजर आ रही थी, पूरी दुनिया का टूरिस्ट भरा हुआ था भाई यहीं पे। फिर उसके बाद ये फूल उगा 2007 में नहीं, 2008 में नहीं, 2012 में नहीं, 2018 में, ओफो, फिर ये फूल उगा 2018 में जाके। दो साल पहले अब उगेगा ये फूल, अब फ्लावरिंग होगी इस पर सितंबर अक्टूबर ऑफ 2030। कुछ पैटर्न समझ में आया गाइस? एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है सितंबर अक्टूबर मंथ में, सितंबर अक्टूबर मंथ में। तो मोस्टली प्लांट्स या तो एनुअल होते हैं या बाइनियल होते हैं या पेरिनियल होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फ्लावरिंग कराते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स अनयूजुअल केसेस भी, फ्लावरिंग के पैटर्न भी शो करते हैं। बैम्बू प्लांट अपनी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग कराता है, और जब यह फ्लावरिंग कराता है तो 50 या 100 साल के बीच में कराता है ये, यानी कि बैम्बू प्लांट उगना शुरू हुआ, उगने शुरू होने के बाद कम से कम 50 साल तक तो कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, 50 साल के बाद कभी भी 100 साल तक फ्लावरिंग हो सकती है इस पर, और फ्लावरिंग के बाद ये खत्म हो जाएगा एक ही बार फ्लावरिंग के बाद, पूरे लाइफ टाइम में एक बार। दूसरा अनयूजुअल पैटर्न ऑफ फ्लावरिंग, नीला कुरंजी स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना शो करता है, जो हिली स्ट्रेचेस ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में पाया जाता है बहुतायत मात्रा में। यार उधर साउथ में कौन सी हिल है जो बहुत लंबी फैली हुई है? आई थिंक सो शायद सतपुड़ा, सतपुड़ा, हाँ आई थिंक सो, शायद वहां के स्ट्रेचेस में, शायद आई थिंक सो वहां के स्ट्रेचेस में ये कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इनमें तो कंफर्म है कि इनके हिली स्ट्रेचेस में स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना हर 12 साल में एक बार सितंबर अक्टूबर के मंथ के बीच में नीला पड़ जाता है भाई, इतनी फ्लावरिंग होती है बस क्या बताऊं, टूरिस्ट ही टूरिस्ट रहता है वहां पर। आप लोग भी प्लान बना लीजिए लाइफ में कि यार
साउथ में कभी जाना हो या ना जाना हो, लेकिन सितंबर अक्टूबर 2030 में जरूर जाना, पहले से बुकिंग करा के रखना साहब, वरना होटल बड़े महंगे मिलने वाले हैं आपको, पता नहीं मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। खैर गाइस, अगर हम लोग बात करें एनिमल्स की, इन केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम लोग बात करें गाइस एनिमल्स की, एनिमल्स के अंदर जुवेनाइल फेज के बाद गाइस रिप्रोडक्टिव फेज जब शुरू होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज। दैट मीन्स गाइस जुवेनाइल फेज इन जानवरों में जब बच्चा पैदा होता है, जब कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तब से लेकर धीरे 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 वो ग्रो कर रहा होता है, उसकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, और जब उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, तब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होता है गाइस। दैट मींस क्लियर है, इजंट इट क्लियर? रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। गाइज रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेरिएशंस का होता है। दैट मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम टाइम के लिए होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव फेज बहुत लंबे टाइम के लिए हुआ करता है। इजंट इट क्लियर? अब हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बर्ड्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट ले एग्स सीजनली। गाइज पंछी जो नेचर में रहते हैं वो 12 महीने अंडे नहीं देते रहते, एग्स ले नहीं करते, बल्कि एक पर्टिकुलर सीजन में, रिप्रोडक्टिव सीजन होता है उनका, ब्रीडिंग सीजन कहलाता है वो, उस पर्टिकुलर सीजन में ही अंडे देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बर्ड्स इन ह्यूमन कैप्टिविटी, अगर हम बात करें बर्ड्स इन ह्यूमन कैप्टिविटी गाइस, तो हम लोगों की कैप्टिविटी में बर्ड्स पूरे साल अंडे देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया है फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मुर्गियां पाली जाती हैं पोल्ट्री फॉर्म में, ऐसी ब्रीड पाली जाती हैं कि वो पूरे 12 महीने अंडे दें। जब वो पूरे 12 महीने अंडे देती हैं तभी तो इंसानों का, पोल्ट्री फार्म वाले का फायदा होता है ना, तो हम लोग उन्हें ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गाइस। इजंट इट क्लियर? नाउ गाइस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेसेंटल फीमेल्स। प्लेसेंटल फीमेल्स शोज
साइक्लिकल चेंजेस इन दी एक्टिविटीज ऑफ नंबर वन ओवेरीज, नंबर टू एसेसरी ग्लैंड्स, नंबर थ्री हॉर्मोन्स. ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज गाइस, प्लेसेंटल फीमेल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स प्लेसेंटल फीमेल्स शोज साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एसेसरी ग्लैंड्स हॉर्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो प्लेसेंटल फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरीज में, उनकी एसेसरी ग्लैंड्स में, उनकी हॉर्मोन्स में साइक्लिकल चेंजेस आया करते हैं. साइक्लिकल चेंजेस आया करते हैं, साइक्लिक मैनर में बदलाव आया करते हैं. Isn't it clear, guys? Now, cyclical changes, these cyclical changes are of two types. Cyclical changes, changes are of two types. Number one, OS. Trus, number one oestrus oestrus cycle, and number two menstrual cycle. Guys, oestrus cycle देखने को मिलती है हमें नॉन प्राइमेट एनिमल्स में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है हमें प्राइमेट एनिमल्स में. एग्जाम्पल काउ, बफेलो, टाइगर, डॉग, ईटीसी. प्राइमेट एनिमल्स मंकी, एप्स, ह्यूमन, फीमेल्स. गाइस एक बात और, जानवरों के अंदर भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में ही ब्रीड करते हैं. जो एनिमल ब्रीड करते हैं फेवरेबल सीजन में वो कहलाते हैं सीजनेबल ब्रीडर्स. सीजनल ब्रीडर्स, सॉरी सीजनल ब्रीडर्स, एस ई ए एस ओ एन ई एल, सीजनल ब्रीडर्स. दैट ऑर्गेनिजम्स विच ओनली ब्रीड ड्यूरिंग द फेवरेबल टाइम पीरियड. फेवरेबल टाइम पीरियड में जो ऑर्गेनिज्म ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं. जैसे से फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट्स, ईटीसी. दैट मीन्स गाइस, सीजनल ब्रीडर्स ही ऑयस्ट्रस साइकिल शो कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट continuous breeders, that breeders which breed throughout the year, जो पूरे साल ब्रीड कर सकते हैं. ब्रीड बोले तो यहां पर रिप्रोड्यूस करना, जो पूरे साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म continuous breeder कहलाते हैं. जैसे वी ह्यूमन, ओ हम लोग ह्यूमन तो यहां भी हैं, जिनकी फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो दैट मींस कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन हो गए जी, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले.
Now we are focusing towards the थर्ड फेज. ये बच्चों हमारा रिप्रोडक्टिव फेज क्लियर हो गया. अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फेज की. दैट मीन्स सेनेसेंट फेज. दैट मीन्स गाइज सेनेसेंट फेज की बात कर रहे हैं हम लोग. सेनेसेंट फेज बेसिकली End of reproductive phase. जब reproductive phase off हो जाता है, खत्म हो जाता है, then senescent phase starts. Then senescent phase End of reproductive phase lead to the starting of senescent phase. Senescent phase को हम लोग old age भी बोलते हैं और old age या senescent phase leads to death. Normal life span में ऐसा ही होता है guys. हमें कैसे पता चलेगा भाई? रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गया तो सेनेसेंट फेज शुरू हो गया. इट इज वन ऑफ द पैरामीटर. एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज द वन ऑफ द पैरामीटर जिसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि सेनेसेंट फेज चालू हो गया है, शुरू हो गया है. Guys, slowing of metabolism is another parameter. Slowing of metabolism is another parameter. Reproductive phase खत्म हो जाना या फिर metabolism slow होते 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 इतना slow हो जाना कि reproductive activities perform ना कर पा रहे हैं organisms, तो senescent phase आ जाता है. Isn't it clear, guys? हम ये कह सकते हैं एक बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं. हमें एक बात याद रखनी है, इंटरैक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स regulates reproductive processes and associated behavioral expression of an organism. Guys, ये बहुत important point है जो आपको underline करके रखना है कि hormones और किसी भी organisms के hormones और वो organism जिस environment में रह रहा है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हार्मोन और वो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन होता है, मींस मेरे हार्मोन्स और मेरे एनवायरनमेंट के बीच में जो कंटिन्यूअसली इंट्रैक्शन चल रहा है, यही डिसाइड करेगा, यही इंट्रैक्शन डिसाइड करेगा उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और उन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस से जुड़े हुए हमारे बिहेवियरल एक्सप्रेशन को. इज इन इट क्लियर? हैव यू ऑल गॉट इट? ना चलिए, नाउ
गाइस हम लोगों ने अभी तक आज जाना कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनका लाइफ स्पैन हम लोग पूरी तरह से तीन पार्ट्स में बांट देते हैं। जुवेनाइल फेज इन केस ऑफ एनिमल्स और इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज, दूसरा फेज रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा फेज सेनेसेंट फेज। गाइज रिप्रोडक्टिव फेज सेनेसेंट फेज में कब कन्वर्ट होता है? पेड़ पौधों में तो बताना बड़ा आसान होता है, फ्लावरिंग होनी खत्म हो गई अब पौधे में, तो रिप्रोडक्टिव फेज खत्म, सेनेसेंट फेज चालू। हाँ, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स में तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज कब खत्म हो रहा है और सेनेसेंट फेज कब चालू हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है पेरिनियल प्लांट्स में बताने में कि पेरिनियल प्लांट्स में हम कैसे बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म और सेनेसेंट फेज शुरू, क्योंकि पेरिनियल प्लांट्स में तो हर एक पर्टिकुलर सीजन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्लावरिंग होती ही रहती है ना। मान लीजिए किसी पौधे के अंदर फ्लावरिंग जैन और फैब में हुई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फ्लावरिंग नहीं हुई, एक आम इंसान तो सोचने लगेगा साहब अगर इतनी सी बात पता है खाली उसे कि फ्लावरिंग के बाद सेनेसेंट फेज आ जाता है तो वो तो सोचने लगेगा कि पौधा बूढ़ा हो गया, हटा दो भैया इसे। लेकिन पता चला उसने थोड़ा सा वेट कर लिया तो पता चला यार दोबारा से जैन में फ्लावरिंग आ गई उसमें, तो ओहो अब वो अचंभे में पड़ जाएगा, यार ये क्या था, फ्लावरिंग खत्म हो गई थी, हमें लगा सेनेसेंट हो गया, अबे भाई ये तो दोबारा बूढ़ा होने के बाद दोबारा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो गया। नहीं गाइस, वो बूढ़ा नहीं हुआ, इंटर फ्लावरिंग पीरियड भी रिप्रोडक्टिव फेज का ही हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। Must recognize this thing. Interflowering period is also part of the reproductive phase. Isn't it clear? इंसानों के अंदर जब इंसानों ने reproductive phase reproduction करना बंद कर दिया, या जब उनकी body reproductively active नहीं रही, उनकी body के अंदर metabolism slow पड़ने लग गया, तो reproductive phase खत्म, senescent phase शुरू हो जाता है। Isn't it clear, guys? Now अब हम लोग थोड़ा जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल से, यानी कि अब हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज पकड़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आज के लेक्चर की स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोगों ने जाना था कि ये एक बहुत ज्यादा एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी इजी करने के लिए हम लोगों ने सारे के सारे प्रोसेसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि वो बहुत एलाबोरेट है, बहुत फैला हुआ है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, आसानी समझ में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और तीसरा स्लो प्रोसेस है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले सारे ही प्रोसेसेस को तीन मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। गाइस एक बात बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहेंगे? जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनने वाले गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो उसी को तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। मेल की बॉडी में मेल गैमेट बनना है, फीमेल की बॉडी में फीमेल गैमेट बनना है, बस बन ही रहे हैं उनकी बॉडी में, बने हुए ही तो हैं उनकी बॉडी में, पड़े हुए हैं उनकी बॉडी में, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो तब कहलाएगा ना जब वो मिलेंगे, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली फर्टिलाइजेशन जब होता है तभी हमारे दिमाग में आता है वो रिप्रोडक्शन शुरू हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया भाई। लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले वो गैमेट्स बने भी तो थे, वो भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा है। मेल की बॉडी में मेल के गैमेट बने थे, फीमेल की बॉडी में फीमेल के गैमेट बने थे, वो भी तो रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर वो गैमेट ही नहीं बनते तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता? पहली बात, गैमेट का बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ, फिर गैमेट का ट्रांसफर होना, मेल की बॉडी में पड़े हुए हैं सारे गैमेट, फीमेल की बॉडी में पड़े हुए हैं सारे गैमेट, तो रिप्रोडक्शन थोड़ी हो रहा भाई, उन्हें ट्रांसफर कराना भी तो जरूरी है। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पहले गैमेट्स का बनना और गैमेट्स का ट्रांसफर होना, फिर उसके बाद उनका फ्यूज होना, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद पहला डिप्लॉयड सेल बनता है जो वाइटल लिंक कहलाता है दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर है, अपनी जिंदगी की शुरुआत जिस सिंगल सेल से करते हैं ना, वो जायगोट ही होता है। क्लियर। और फिर उस जायगोट के अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली नया यंगवन पैदा होता है। तो ये सारे फिनोमेनास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो हमने इनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए तीन मेजर पार्ट्स के अंदर बांट दिया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्लियर गाइस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं हम लोग, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो भाई फ्यूज होने से पहले, सबसे पहले तो गैमेट बने होंगे ना, तो गैमेटोजेनेसिस, और फिर बनने के बाद उनको ट्रांसफर किया गया होगा, तो गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन, जिसका जिक्र मैं कर रहा था गाइस अभी, कि हम सब लोगों ने अपनी शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से जो की थी, वो सिंगल सेल यही होता है जाइगोट। और उसके बाद फाइनली एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस विल फाइनली लीड टू the formation of offspring, individual, progeny, isn't it clear guys? So sexual reproduction बहुत ही ज्यादा elaborate, complex और स्लो प्रोसेस होता है। उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इज़न इट क्लियर गाइस? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं तीनों पॉइंट्स को पूरी तरह से एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। इज़न इट क्लियर? Thank you so much guys for watching my video.